हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चटपटे स्नैक्स। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सॉटेड वेजिटेबल्स बनाने की रेसिपी। तो आज हम ये बनाएंगे बिना कोई सोया सॉस या कोई भी सॉस यहाँ पे यूज़ किए, ना चिली सॉस, ना सोया सॉस, विनेगर भी नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, सॉस या फिर लिक्विड फॉर्म में कुछ भी यूज़ नहीं करने वाले हैं। बहुत ही प्रोटीन वाला हम यहाँ पे सॉटेड वेजिटेबल्स बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉटेड वेजिटेबल्स बनाना। इसके लिए क्या करेंगे, पैन में डाल देंगे सेसमे सीड ऑयल यानी कि तिल का तेल, या फिर ऑलिव ऑयल, या फिर आप अगर रिफाइंड ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। एक टीस्पून जितना यहाँ पे डाल देंगे। साथ ही में एक टीस्पून हम यहाँ पे डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप होममेड या फिर रेडीमेड दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे होममेड यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं। इसे हल्का सा पका लेंगे, 2 से 3 सेकंड, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सेकंड के लिए पका लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाइस किया हुआ प्याज डाल देंगे। हमने इसे लंबा या फिर बारीक नहीं काटा है, डाइस डाला है, क्योंकि ऐसे खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का सा भी प्याज को पका लेंगे। तो प्याज हमारे हल्के से ना पक चुके हैं, हल्के से पिंक हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रोकली डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 कप जितनी ब्रोकली ले ली है। अब आप चाहें तो यहाँ पे बॉइल्ड ब्रोकली डाल सकते हैं या फिर कच्ची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कच्ची ब्रोकली यूज़ की है। आपको अगर कच्ची ब्रोकली का टेस्ट अच्छा ना लगता हो तो आप यहाँ पे बॉइल्ड यूज़ कर लें। वैसे भी हम इसे पकाएंगे तो ये हल्की सी पक जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है ऐसे ही। आप चाहें तो यहाँ बॉइल्ड यूज़ कर लें। तो चलिए ब्रोकली को भी अच्छी तरह से ना सॉटे कर लेंगे। ब्रोकली और प्याज जो हमारे यहाँ पे हल्के से पक चुके हैं, तो अब क्या कर देंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे शिमला मिर्च। तो हमने यहाँ पे येलो और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च डाइस करके ले ली है, यहाँ पे दोनों डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रेड शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने वो यहाँ पे यूज़ नहीं करी है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे ये बारीक अच्छी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे बारीक करके डाला है। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से पका लेंगे, यानी कि हल्का सा सॉटे कर लेंगे, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कच्ची ना लगे, इसलिए हम यहाँ इसे हल्का सा पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े स्पाइसेस डालेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार या फिर 1/2 टीस्पून। नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब लो फ्लेम पे इसे ढक के रख देंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखेंगे वरना जो हमारी सब्जियां हैं वो पैन पे स्टिक हो जाएंगी। तो 1.5 से 2 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे, इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाल देंगे पनीर। तो पनीर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो पनीर हमारे डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हम यहाँ पे 25 से 30 ग्राम पनीर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन है। और थोड़े से हम यहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न डाल दिए हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पनीर और कॉर्न को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये जो हल्के से कच्चे ही इसमें अच्छे लगते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून सेसमे सीड यानी कि तिल, और साथ में डाल देंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्ची। यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है। और अब क्या करेंगे, ले लेंगे ऑर्गेनो। तो 1/2 टीस्पून जितना हम यहाँ पे ऑर्गेनो डाल देंगे। आपके पास ऑर्गेनो ना हो तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे यूज़ करना है। साथ में 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, इसे भी आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। और ये लीजिए, जो हमारी सॉटेड वेजिटेबल्स है एकदम प्रोटीन से भरी, वो बनके एकदम तैयार है। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इसे रात के डिनर में पूरी तरह से खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने ब्रोकली यूज़ की है, साथ में शिमला मिर्ची यूज़ करी है। आप चाहें तो यहाँ पे अपने मनपसंद की कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या फिर कोई भी वेजिटेबल आप अपने मन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास इसमें से कोई ना हो तो उसकी जगह आप कोई और भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है अगर आप डाइट कर रहे हैं, बिल्कुल भी वेट गेन नहीं होता है और रात के डिनर के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई की हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।